हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका बीएचयू वर्ल्ड मालवीय एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग एग्रोमेट्रोलॉजी चैप्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। मेट्रोलॉजी में हम लोगों ने पहला लेक्चर क्लियर कर लिया है और नेक्स्ट जो है उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले कि आप लोगों को बता दें, आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो मौसम से रिलेटेड ही है, तो मौसम के तत्व के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आज हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोगों से पूछते हैं। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो मौसम से संबंधित है और आज मैं आप लोगों को पहले तो सबको गुड इवनिंग, सबका स्वागत है। नागेंद्र सर के बहुआ का भी स्वागत है, बाकी जो भी अभी यहाँ छिपे बैठे हों, नागेंद्र सर का चेला, नागेंद्र सर का वो भी आ जाएँ, ठीक है। और रोहित राजभर, आर्यन, सिद्धार्थ मिश्रा, कृष्णा कन्हैया, श्वेता मौर्या, सबका स्वागत है। आप सब जो है बहुत ही बेस्ट देख रहे हैं, आपको जो भी अनुभव कर रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट है। चलिए पहले मैं आप लोगों से मौसम से संबंधित कुछ मुझे आज पढ़ाना है, बाकी चीज़ें तो अभी हम लोग पढ़ने ही वाले हैं। आज आप लोगों के लिए एक ऑफ़र है, हर्ट ब्रोकन रील, गुड फैन ऑफ यू सर, थैंक यू। बट आपने अपना नाम हर्ट ब्रोकन क्यों लिखा ये थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वहाँ पर कुछ और कुछ लिखिए तो अच्छा लगेगा। AK Films Official, गुड इवनिंग। अरे आज राम चेला नहीं दिखाई दे रहा है, वो कहाँ गया? आज कई लोग अभी नहीं आए हैं, चलिए जल्दी जल्दी जुड़िए सब लोग। पहले दिन तो आप सब आ गए बहुत ही भारी संख्या में, आज आप लोग कट रहे हैं, ठीक है। हम लोग मौसम से रिलेटेड मौसम के एलिमेंट्स को पढ़ने वाले हैं, तो आप लोगों के सामने एक मैं ऑफर दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग बताइए। कोई ऐसा गाना हमें जो है सोच करके आप लोग बताइए जो कि मौसम के ऊपर बनाया गया है बॉलीवुड में, जल्दी से बताएं आप सब, कौन सा वो गाना है जो कि बॉलीवुड में मौसम के ऊपर किसी न किसी मूवी में बनाया गया है। अगर आपने वो सही गाने का नाम बताया तो मैं आपको उसकी दो लाइन गुनगुना के भी सुनाऊंगा, जल्दी बताएं आप सब। ये मौसम की बारिश, अच्छा सावन का मौसम, देश रंगीला रंगीला, हर हर महादेव, भाई ये तो सबके हैं। मौसम की बारिश, मेरे यार बदल ना जाना मौसम की तरह, वाह वाह वाह, बहुत सही। आप अपने गाने का चुनाव पता है कैसे करेंगे? अपने इंटरेस्ट के आधार पे करेंगे। तो आज मैं यहाँ से सबको जज कर सकता हूँ कि किस बच्चे का किस गाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी आप लोग उस गाने को नहीं बता पाए हैं जो मैं सोच करके आया हूँ। कुछ भी दो लाइन गुनगुना दीजिए, पूरे एक घंटे हम गुनगुनाने वाले हैं बेटा। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतज़ार करूं, अच्छा काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं आप इस गाने से। आज मौसम बड़ा बेईमान है, देखिए आपका यही क्रिएटिवनेस है, आप लोगों का यही क्रिएटिवनेस है ना, आपके अंदर यही क्रिएटिविटी भरी पड़ी है, बस उसमें आग लगाने की देरी, चिंगारी देने की देरी है, उसके बाद आप तो खुद ही आग लगा दोगे। तो बस यहाँ से मालवीय एकेडमी भी यही एक काम कर रही है, आपको चिंगारी ही लगाने का काम कर रही है, बाकी आग आप ही लोग लगाएंगे। देखिए मैंने सिर्फ इतना सा पूछा था कि कौन सा गाना है जो कि मौसम के ऊपर बना हुआ है और आप लोगों ने तो इधर लाइन लगा दी गानों की संख्या की। तो ऐसे ही मैं आपसे जो है रूबरू होता रहूँगा डेली, लेकिन आप लोगों ने अभी तक वो गाना नहीं बताया जो मैं सोच करके आया था कि ये वाला गाना सब कुछ सबसे बेस्ट है। घटा छा गई बरसात के मौसम में, अरे वाह, देख रहे हैं कितने सारे गाने निकल रहे हैं मौसम के आधार पर। तो मौसम की जानकारी तो हम लोगों से ज़्यादा आजकल के बॉलीवुड के सिंगरों को है, आप क्यों पीछे हैं भाई? तब अगर आप भी पीछे रह जाएंगे तो आपको तो एग्ज़ाम देना है, उनको तो पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए वो लोग पढ़ लिए, और आप लोगों को तो फिर एग्ज़ाम देना है, अपना भविष्य बनाना है, अगले आने वाले 50 साल को ऐसा खड़ा करना है कि फिर किसी के आगे झुकना ना पड़े, है ना। तब आप लोगों को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी है। चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और हम लोग पहले आज के लेक्चर को देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेते हैं क्योंकि मौज मस्ती वाली क्लास भी आने वाली है। तो आज मैंने शुरुआत कर दी एक मौज मस्ती की, संडे के दिन हम लोग मौज मस्ती वाली भी क्लास करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। कल पहले मैं यही बताना चाहूँगा, लास्ट क्वेश्चन जो था कल, क्वेश्चन नंबर 8 जो था
वो मेरे से गलत हो गया था आंसर बताने में, क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेट्रोलॉजी लिखा था और मैंने आंसर दे दिया एग्रोमेट्रोलॉजी के बेसिस पे। जो एक छोटा सा बच्चा गलती करता है, कल वो हम लोगों ने गलती की थी, ठीक है? तो आप लोगों ने भी उस समय शायद ध्यान नहीं रखा, बाद में लोगों ने मैसेज किया कि नहीं सर ये वाला आंसर ये वाला होना चाहिए था, तो मैंने भी उसको पहले ही सोच के रखा है। आज जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको मैं अभी करेक्ट भी कराऊंगा, लेकिन उसके पहले जो हम लोग पढ़ रहे थे उससे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। वेदर इलिमेंट्स ही हम लोग पढ़ रहे थे, वेदर इलिमेंट्स हम लोग। बस भाई बहुत हो गया, आप लोगों के अंदर हम कह तो रहे हैं भरे पड़े हैं आप सब, बस एक बार इशारा करने की देरी है, ठीक है? आप सब बहुत बड़े योद्धा हैं। कल वाला 5 नंबर का भी ओवरव्यू करिए, ठीक है? मैं बता दूंगा, आप क्वेश्चन भेज देना, मैं बता दूंगा। हाँ थोड़ा सा आप सब लेट हो गए थे, कोई बात नहीं, अभी हमने सही से शुरू भी नहीं किया है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं, आप सब आ चुके हैं। हम लोगों ने वेदर एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। वेदर एलिमेंट्स में मौसम के घटक या मौसम के तत्वों के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने जानकारी रखी थी कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि मौसम में इंपॉर्टेंट हैं। उसमें हम लोगों ने सोलर रेडिएशन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। सोलर रेडिएशन क्या होता है, सोलर रेडिएशन पृथ्वी पर कैसे आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, फोटोन के फॉर्म में आती हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, फोटोसिंथेसिस में उसका यूज़ होता है। हमने PAR के बारे में बताया, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के बारे में बताया। फिर हमने बताया कि सोलर कॉन्स्टेंट क्या होता है, सौर नियतांक की वैल्यू क्या होती है, 1.94 कैलोरी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट, ये मैंने आपको बताया। फिर मैंने एल्बिडो बताया, साथ ही साथ हम लोगों ने पायरेनोमीटर, पायर हेलियोमीटर और सनसाइन रिकॉर्डर के बारे में पढ़ा था। ये हम लोगों ने कल सोलर वेदर एलिमेंट्स के सोलर रेडिएशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था, ठीक है? आज हम लोग टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी और रेनफॉल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर तो वही तापमान है जो कि आज आप लोग झेल रहे हैं इस पूरे धरती पर। इतना मार्च के और अप्रैल के महीने में जो टेम्परेचर इंक्रीज किया हुआ है उसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर क्या होता है, जब यही चीज़ कोई अगर सामने हो उस बच्चे से पूछा जाए, ऑफलाइन की तरह जब क्लास चलती है उससे अगर पूछा जाए कि बताओ तापमान क्या होता है, तो कहता है सर कुछ गर्म कुछ ठंडा, यही चीज़ तापमान होती है। उसकी कोई एक डेफिनेट परिभाषा सोचने में आदमी सक्षम नहीं हो पाता है। तो उसकी एक ही परिभाषा है, किसी भी पदार्थ की जो गर्म होने की क्षमता है या ठंडे होने की क्षमता है उसी की उस विशेषता को हम लोग क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं, ठीक है ना? तो इट इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो ये आपके एग्जाम में परिभाषा यहाँ से नहीं आएगी कि तापमान की परिभाषा बताइए, तो 5वीं 6वीं का क्लास हो जाता है ना? तो उसमें आपको ये नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे ये पूछा जाएगा कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठोस से ठोस में, सॉलिड टू सॉलिड, उसके बाद ठोस से द्रव में, सॉलिड टू लिक्विड, उसके बाद रेडिएशन पढ़ा होगा आप लोगों ने जो कि आपके ओपन एटमॉस्फेयर में चलती है। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा है, संवहन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन कैसे होता है, कंडक्शन होता है किसमें, सॉलिड टू सॉलिड, यानी ठोस, एक ठोस से दूसरे ठोस में जो कि हीट ट्रांसफ़र होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। तो ये इसलिए आपको पढ़ना है क्योंकि हीट का ट्रांसफ़र आपको एग्रीकल्चर में इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मिट्टी जो होती है वो कैसे हीट को एब्जॉर्ब करती है और वो हीट कैसे सीड जर्मिनेशन में मदद करता है, पौधों की ग्रोथ में मदद करता है, इसके रिलेशन में आप लोगों को पढ़ना है। तो इसलिए जो कंडक्शन होता है ये एग्रीकल्चर में उतना इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए इतना इम्पोर्टेंट ये बिल्कुल भी नहीं है। बस आप इतना जानते रहिए, जब ऊष्मा का संचयन एक ठोस पदार्थ से दूसरे ठोस में होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। जैसे आयरन की रॉड है, अगर आयरन की रॉड है एक तरफ से उसको गर्म किया जाए तो उसकी हीट धीरे 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 इस तरफ तक पहुँच जाती है, तो ये जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। बात ख़त्म, आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ से आ भी सकता है लेकिन एग्रीकल्चर के पोर्शन में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आगे देखिए कन्वेक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं, जो कि किस तरह का हीट ट्रांसफर होता है, ये होता है सॉलिड से लिक्विड में, या फिर आप सेमी लिक्विड कह सकते हैं, क्योंकि अर्थ क्या होती है, पोरस होती है। अर्थ हमारी जो पृथ्वी है, जो मृदा है, वो कैसी होती है,
पोरस होती है, छिद्र युक्त होती है, जिसमें माइक्रोपोर्स और मैक्रोपोर्स पाए जाते हैं, सूक्ष्म छिद्र और जो वृहत छिद्र होते हैं वो पाए जाते हैं। तो जो मिट्टी में पानी अवशोषित होता है वो उन्हीं सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से मृदा के अंदर जाता है, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो या फिर आपका सीपेज हो या फिर आपका कंडक्शन हो, कुछ भी हो रहा है अगर उसमें, तो वो पानी जो जा रहा है उसी सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से जाता है। ऑक्सीजन जो जाती है मिट्टी के अंदर, जो वायु का आवागमन है, वो भी कहाँ से होता है? उसी सूक्ष्म छिद्रों से होता है। तो जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं वे सॉलिड के अंदर होते हैं, सॉलिड के यानी मिट्टी के अंदर होते हैं, मिट्टी के अंदर अंदर वो, चाहे उसको आप कैपिलरी जो है वो कैपिलरीज बोल दीजिए या फिर आप कह लीजिए कि उसमें क्या बना हुआ है, पोर्स बने हुए हैं, छोटे छिद्र और बड़े छिद्र होते हैं। तो मृदा में जो तापमान का ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण होता है, वो किस माध्यम से होता है? तो कन्वेक्शन के माध्यम से होता है। यही आपके एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे ये सब 9th और 10th लेवल में आपको फिजिक्स वगैरह में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्योंकि एग्रीकल्चर में जो क्लाइमेटोलॉजी है वो इन्हीं फिजिकल कंडीशन से रिलेटेड है, और ये मेट्रोलॉजी एक तरह से खुद फिजिक्स का एक ब्रांच है ना, फिजिक्स की ये ब्रांच है, अप्लाइड फिजिक्स की, इसी वजह से इन सबको हम लोगों को पढ़ना है। तो कन्वेक्शन हमारे किसके लिए आवश्यक है? मृदा में तापमान के हस्तांतरण के लिए या फिर ट्रांसफर के लिए, मिट्टी में जो तापमान ट्रांसफर होता है। तो इसका रेट जो होता है कंडक्शन से कम होता है, कन्वेक्शन में जो तापमान इधर से उधर तक जाता है वो संवहन की तुलना में धीमे धीमे जाता है। अब बात करते हैं रेडिएशन की। तो रेडिएशन जो होता है ये सब आप जानते हैं, बस मुझे आपको थोड़ा सा चिंगारी लगाने की ज़रूरत है, जैसे अभी शुरू में लगाई थी मैंने, आपने 50 लिरिक्स के नाम लिख के भेज दिए कि सर ये चीज़ें हैं, ठीक है, वैसे ही इसमें भी देखना है। अब जैसे विकिरण है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिएशन। तो रेडिएशन कैसे होता है? तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन वो है जो कि एटमॉस्फेयर में बिल्कुल सीधी तरंगों के रूप में सूरज की किरणें जो हम तक पहुंचती हैं, उसमें जो हीट होती है, वो जो हीट कंडक्ट होकर के यहाँ तक आ रही है, उसी को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। रेडिएशन की हीट जो होती है वो प्लांट्स के लिए यूजफुल होती है। वो किसके लिए यूजफुल होती है? प्लांट्स के लिए। तो इसको हम लोग कह सकते हैं गैस में जो हीट का ट्रांसफर होता है, गैसियस मीडियम में या फिर एटमॉस्फेयर में, एयर में, उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो रेडिएशन के माध्यम से होता है, विकिरण के माध्यम से होता है। तो सूरज से जो किरणें आती हैं वो पत्तियों पर पहुंचती हैं, पत्तियों में गर्मी पैदा होती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर है तो वो बहुत बढ़िया से प्रोडक्शन करेंगी, फोटोसाइंथेसिस बनाएंगी, फोटोसाइंथेसिस करने के बाद उनका प्रोडक्ट बनेगा और पत्तियों की लंबाई चौड़ाई ये सब बहुत अच्छी होगी, पौधों की वृद्धि विकास बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर वही विकिरण पौधों तक आसानी से नहीं पहुँच पा रही है, धूप है बहुत कम है, या फिर कोहरा पड़ा हुआ है, या फिर बादल पड़े हुए हैं, तो वही सोलर रेडिएशन क्या होता है, वो बादलों को छेद करके नीचे तक नहीं आ पाता है और फसलों में फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है। एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैंने इसको रेडिएशन को, कन्वेक्शन को, कंडक्शन को बताना ठीक समझा। इसके पहले मैं ये नहीं सोचता था कि ये भी आपको बताना पड़ेगा, लेकिन इसका एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंस है, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, इसी वजह से मैंने इसको बताना ठीक समझा। क्योंकि आप लोग भाई देखिए, कल को इंटर पास हुए हैं, आज आपने तैयारी करना शुरू कर दी। हम लोगों का अपना एक्सपीरियंस 7 सालों से इसी में है, हर साल हम लोग यही करते हैं, तो हमें पता है कि कहाँ से क्लू होता है। एक एक क्वेश्चन नस नस जो है हम लोग पकड़ के रखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन इस तरह से बनता है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बनता है। इसीलिए मालवीय अकेडमी के सारे मेंटर्स बेस्ट माने जाते हैं और आप सब पूरी उम्मीद से यहाँ पर आते हैं, है ना, तो वो उम्मीद भी आप कायम रखिएगा और हम लोग उस उम्मीद को आपके साथ कायम बनाने में भी मदद करेंगे, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से सुनते जाइए, जितना गाइडेंस दिया जा रहा है उसको प्रॉपर आप एब्जॉर्ब करते जाइए, और महासंग्राम 2 आपके जीवन का सबसे बड़ा, सबसे पहला और सबसे अंतिम महासंग्राम होना चाहिए। इसके बाद फिर आपको ये ना सोचना रहे कि मुझे BHU में पहुँचने के लिए और किसी दूसरे महासंग्राम की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मालवीय अकेडमी का ही महासंग्राम आपके जीवन का महासंग्राम होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन जो होता है विकिरण, तो विकिरण में हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर धूप है लेकिन नीचे क्या होता है, देखिए सूरज तो कोई ढक नहीं सकता, हनुमान जी तो है नहीं कि अब सीधा पहुंच गए निगल गए, ठीक है। अभी क्या है कि जब सर्दी का मौसम आएगा तो कोहरा पड़ जाता है, बरसात के मौसम में बादल छा जाता है। अब बादल जब छा गया तो सूरज की जो किरणें होती है वो उसको रेडिएशन को पार करके नीचे तक नहीं पहुँच पाती है, हीट उचित तौर पर यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है,
ठीक है, तो पौधों में फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है। ठंडियों में पौधे बहुत धीरे धीरे वृद्धि करते हैं, कारण क्या है, क्योंकि उनको ना तो सही से गर्मी मिल पाती है और ना ही उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जिसको 400 से 900-700 नैनोमीटर होता है वो भी नहीं मिल पाता है, इसीलिए फोटोसिंथेसिस का रेट थोड़ा सा कम हो जाता है, पौधे कमज़ोर महसूस होते हैं, लेकिन जैसी धूप निकलती है बहुत तेज़ी से विकास करते हैं, ठीक है। और यही सारी कंडीशन जो होती हैं उचित वृद्धि विकास की कंडीशन बरसात के मौसम में सबसे बेस्ट होती हैं, ठीक है। तो रेडिएशन क्या है, ये प्लांट्स में हीट वगैरह जो है एब्जॉर्ब होती है वो रेडिएशन के माध्यम से, सॉइल में कैसे होती है, कन्वेक्शन से माध्यम से, और किसी सॉलिड से सॉलिड में जब होती है तो वो होती है आपके कंडक्शन से माध्यम से। इतना पॉइंट सबको क्लियर हुआ मेरे बच्चे, सबको इतना क्लियर हुआ, बिल्कुल एकदम जोर शोर से आवाज लगा के बताइए सर क्लियर हो गया। कुमार राजीव राज का क्वेश्चन है, वैभव सर प्लीज आ ही जाता हूँ ये पूछ रहे हैं कि सर पीसीबी से 12th किया हूँ तो बीएचयू में एसीबी से भी एग्जाम दे सकते हैं ना, वो कॉम्बिनेशन बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। आप क्या पढ़े हैं वो मैटर ही नहीं करता बीएचयू में, आप एग्जाम आपको तीन कॉम्बिनेशन दे रहा है, उन तीन कॉम्बिनेशन में आपको दे देना एग्जाम, वो जाए आप पीसीएम से दो पीसी, आप उल्टा मैथ पढ़ो पीसीबी दे दो अगर आप उस लायक हो तो, पीसीएम पीसीबी और सर क्या है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बायोलॉजी वाला सेक्शन जिसको हम लोग एसीबी बोलते हैं ना, एसीबी, तो ये जो तीन सेक्शन है कोई भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, तीनों में से आपका मेरिट काउंट हो जाएगा। ये लोग अभी तक कंफ्यूजन में है, इनको पहले के लेक्चर में भी मैंने बताया, उस दिन स्ट्रेटजी वाले लेक्चर में बताया, सेशन लिया था 75 दिन वाला, उसमें सारी उसमें भी मैंने क्लियर की थी कि आपको 12th किसी भी सब्जेक्ट से और प्लस कॉम्बिनेशन को लेके अब कोई कंफ्यूजन अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ पढ़ने पे आप फोकस करिए। फिर से एक बात बता देता हूँ, आप 12th में अगर आप बायोलॉजी से थे या मैथ से थे या एग्रीकल्चर से थे वो बिल्कुल ही मैटर नहीं करता, बीएचयू ने जो बताया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपका बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स नहीं है एग्रीकल्चर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इस कॉम्बिनेशन में से जो भी आपको पसंद आए तीनों में से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए और बीएचयू का एंट्रेंस आप दीजिए, बस मैटर ही नहीं करेगा, 12th मैटर नहीं करता, बिल्कुल नहीं मैटर। चलिए ठीक है सर, थैंक यू, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए इतना क्लियर हो गया ना, हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन कंडक्शन रेडिएशन ऑल दैट क्लियर, हाँ बहुत सही, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एक टर्म है डाईयूर्नल वेरिएशन, डाईयूर्नल वेरिएशन इसको बोलते हैं दैनिक भिन्नता, एक शब्द जरूर दिमाग में रखिएगा, अगर आपको कोई हेडिंग लिखी हुई है वो हेडिंग अपने आप में एक पीएचडी करने लायक वो लाइन होती है, जैसे एक चैप्टर लिखा है ना फोटोसिंथेसिस, कितने वैज्ञानिक हैं जो उसी पे अपनी पीएचडी कर डाले हैं, ठीक है सिर्फ फोटोसिंथेसिस पे ही, तो उस शब्द का पहले मीनिंग समझिए, जैसे डाईयूर्नल वेरिएशन लिखा हुआ है इसको दैनिक भिन्नता कहते हैं, किसमें वेरिएशन मतलब भिन्नता होती है, डाईयूर्नल मतलब होता है दिन और रात में, तो जो दिन के तापमान में और रात के तापमान में 24 घंटे के अंदर जो भी वेरिएशन आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं डाईयूर्नल वेरिएशन, तो दिन और रात के बीच जो तापमान में भिन्नता देखी जाती है उसे डाईयूर्नल वेरिएशन कहते हैं। अब कॉपी और पेन निकाल के ये पॉइंट नोट कर लेना कि जो वैज्ञानिक होते हैं जब मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं वेदर फोरकास्टिंग करते हैं तो किसी भी दिन का सबसे न्यूनतम तापमान कब नोट किया जाता है ना, न्यूनतम तापमान कब नोट किया जाता है, कितने लोगों को याद है, आप लोगों से भी मैं सुनना चाहूंगा, न्यूनतम तापमान कब नोट किया जाता है, सुबह 4 बजे, अंजलि सिंह आर्यन बीएचयू इन सब का आंसर बिल्कुल सही है, सौरभ तिवारी का भी सही है, ठीक है, तो न्यूनतम तापमान सुबह के 4 बजे नोट किया जाता है, ये न्यूनतम तापमान है। अब बता दो अधिकतम तापमान कब नोट किया जाता है, अधिकतम तापमान दिन का कब नोट किया जाता है रीडिंग पे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 2 बजे 2 बजे, अच्छा लोग कहते हैं दोपहर के 12 बजे आइए तो जाने, तो 12-12 बजे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता है, कहने को होता है 2 बजे सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर नोट किया जाता है इंडिया में, ठीक है, तो यहाँ पे 2 PM यानी दोपहर के 2 बजे यही होता है। अब ये जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर है ना उसी को क्या कहा जाएगा,
डायुर्नल वेरिएशन। तो दिन में तापमान पता चला कि 42 डिग्री चला गया और रात का तापमान अभी कितना रह गया, वो 21 डिग्री 18 डिग्री है। तो दोनों के बीच का अंतर जो होता है वही डायुर्नल वेरिएशन होता है। अब देखते हैं तापमान मापने के जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको, एक है मैक्सिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम थर्मामीटर, थर्मामीटर ही तो होता है जो तापमान मापता है। दो प्रकार के थर्मामीटर होते हैं बच्चों, एक होता है मैक्सिमम थर्मामीटर, एक होता है मिनिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम थर्मामीटर क्या काम करेगा, वो अधिकतम तापमान को मापने का काम करेगा। मिनिमम वाला न्यूनतम तापमान मापने को काम में लिया जाता है। यानी कि अब अगर आप दिन के दोपहर में अधिकतम तापमान का जो है, अच्छा एक चीज़ और, 2 PM का मतलब दोपहर होता है। तो कभी कभी ऑप्शन में ये आ जाता है कि अधिकतम तापमान कब नोट किया जाएगा। अब कोई बच्चा, कुछ अंधभक्त होते हैं कि जैसे सबके होते हैं, तो कोई नागेंद्र सर का भी अंधभक्त हो सकता है, नहीं सर ने 2 बजे बताया है तो हम 2 बजे ही ऑप्शन में लगाएंगे, वो दोपहर दे दे, रात दे दे, शाम दे दे, हमें उससे मतलब नहीं, 2 बजे ढूंढेंगे। अरे बच्चे 2 बजे क्या होता है, दोपहर होता है। तो अगर ऑप्शन में आपके सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि ऐसा लिख करके आ जाए और अधिकतम तापमान कब होगा, तो आप क्या बताना है, दोपहर 2 बजे बताना है, ठीक है। तो अधिकतम तापमान मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, मैक्सिमम थर्मामीटर का, अधिकतम तापमापी का। रात के समय में न्यूनतम तापमान होता है सुबह 4 बजे, तो न्यूनतम तापमान मापने के लिए न्यूनतम थर्मामीटर का यूज करेंगे, न्यूनतम तापमापी का उपयोग करेंगे। इन दोनों में अंतर कुछ नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है, मैक्सिमम वाला मैक्सिमम मापेगा, न्यूनतम वाला न्यूनतम मापेगा। बस एक अंतर है कि जैसे आप लोग बताइए, पहले जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं बुखार का, फीवर का जो है जांच कराने, तो जो थर्मामीटर वो आपको देता है तो उसमें कौन सा लिक्विड भरा होता है, ये बताइए कौन सा लिक्विड भरा होता है उसमें। आप लोगों का आंसर मैं कमेंट में देखना चाह रहा हूँ, कौन सा लिक्विड भरा होता है। पारा, बहुत बढ़िया, पारा भरा होता है। मरकरी जिसको कहते हैं, HG जिसको कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में पाया जाने वाला ये तरल द्रव्य है, एक मेटल है, ठीक है। तो क्या है, मरकरी भरा होता है, यहाँ पे देख रहे हैं, ये मरकरी भरा होता है, बस यही आपको याद रखना है। उसके बाद जो न्यूनतम थर्मामीटर है उसमें क्या भरा होता है, उसमें अल्कोहल भरा होता है, उसमें क्या भरा होता है, अल्कोहल भरा होता है। बस इतना ही आपको याद रखना है कि जो अधिकतम तापमापी होता है उसमें मरकरी भरा हुआ है, जो न्यूनतम तापमापी होता है उसमें अल्कोहल भरा हुआ रहता है। बाकी PDF आपको मिल जाएगा, डिटेल में आप पढ़ लेना बेटा, कोई इशू नहीं, एग्जाम के लिए बस इतना ही काफ़ी था। आगे चलते हैं, एक है सॉयल थर्मोमीटर। सॉयल थर्मोमीटर क्या काम करेगा, सॉयल थर्मोमीटर क्या काम करेगा, चलो बताओ कौन कौन बताएगा। मृदा का तापमान मापेंगे ना, वही चीज, मृदा का तापमान मापेंगे। विनय सिंह, अब इनकी क्या समस्या है, बोले हैं बेटा अभी जब क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोग क्वेश्चन में पूछ लेना। सॉयल थर्मामीटर, इट इज मरकरी थर्मामीटर। सॉयल थर्मामीटर मतलब मृदा का जो तापमान मापेगा, इसमें भी मरकरी भरा होता है, बस इतना ही याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम लोगों का जो नया जो वेदर एलिमेंट है वो है ह्यूमिडिटी, जिसको हम लोग आर्द्रता कहते हैं। बहुत ही डिटेल में हम लोग आर्द्रता पढ़ने वाले हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत खास होता है। नमी जो होती है ना बच्चों, एटमॉस्फेयर में जो नमी होती है, इसका बहुत बड़ा योगदान है हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन में, उपज में बहुत बड़ा योगदान है। अगर नमी की कमी हो गई ना, पौधा सूखा महसूस होगा, पौधा झुलसा हुआ दिखाई देगा, उसकी पत्तियों में टाइटनेस नहीं होगी, वो ऐसे जो है झुकी हुई दिखाई देगी, मुड़ी हुई दिखाई देगी, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखाई देती है। तो ह्यूमिडिटी जो होता है वो एक तरीके से जो जड़ के द्वारा पौधा एब्जॉर्ब किया जाता है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, अगर लेकिन एटमोसफेयर के द्वारा भी ह्यूमिडिटी उसको मिल रही होती है तो भी वो बहुत ही ज़्यादा काम करता है पौधों के लिए। तो ह्यूमिडिटी जो होती है, और पहले तो हम लोग 2 टर्म समझते हैं, एक टर्म होता है बच्चों ह्यूमिडिटी और एक टर्म होता है ह्यूमिडिटी और एक दूसरा शब्द होता है मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब होता है नमी, इन दोनों में अंतर समझिए। मॉइस्चर मतलब नमी होता है और ह्यूमिडिटी मतलब क्या होती है, आर्द्रता। ये मैं उन सभी बच्चों के लिए इतना ज़्यादा जो है सोर्स लगा करके इतना ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए डिटेलिंग करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम वाले जो पहली बार किसी अच्छे टीचर से पढ़ रहे हैं, अभी तक सरकारी टीचर से पढ़ते पढ़ते वो लोग जो है अच्छे से अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, तो
तो कहीं ना कहीं उन सभी को ये काम करने वाला है। बहुत इसमें मेरे साथ अभी भी मैं कह रहा हूँ, इसमें काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिनको मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी में अंतर नहीं पता होगा, नमी और आर्द्रता में। तो नमी बच्चों वो चीज़ होती है जो किसी ठोस में पाई जाती है, जो किसी ठोस से संबंधित होती है। जैसे जो कपड़ा है, कपड़ा जब हम भिगाते हैं तो कहते हैं कपड़ा अभी नम है, नम मतलब अभी भीगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही अगर मिट्टी है तो मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में क्या पाया जाता है, मॉइस्चर। किसी ठोस में जो चीज़ पाई जाती है, ठोस में पाया जाने वाला पानी जो होगा वो क्या होगा, वो नमी होती है, ठीक है। जब तक वो सेचुरेटेड नहीं है, 100% नहीं भर गया है पानी, तब तक उसमें नमी पाई जाती है। लेकिन जो चीज़ें एयर में पाई जाती हैं, कहाँ पे, वायुमंडल में जो चीज़ें पाई जाती हैं, जिसको हम लोग एटमोस्फियर कहते हैं, जो कि वायुमंडल में जो नमी पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आर्द्रता बोलते हैं। तो पानी का वह रूप जो कि वायुमंडल में हवा के बीच में मौजूद है उसे हम लोग वायु, ये ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। अब आप लोगों को एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं क्या ये पाई जाती है कि नहीं। तो ठंडियों के महीने में जब दिसंबर का महीना चलता है तो हम लोग ऐसे जब मुँह खोल करके कुछ बोलते हैं तो देखते होंगे यहाँ से भाप निकल रही होती है, तो वो नमी हमारे अंदर की है। और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर क्योंकि कम होता है इसलिए वो नमी जैसे ही बाहर निकलती है वो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के बाद बर्फ़ का जो सबसे छोटा फॉर्म होता है ड्रिजल, उस रूप में वो बन जाती है, उसीलिए वो भाप जैसे दिखाई देती है। तो जो वो नमी वायुमंडल में दिख रही है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी या फिर आर्द्रता कहते हैं। उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, कहाँ गया, इसमें आगे चलते हैं। देखिए तो वातावरण में जो नमी पाई जाती है बच्चों उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। वायुमंडल में पाए जाने वाली जो वाटर वेपर है जो कि वाष्प के रूप में पाई जाती है, किस रूप में, वाष्प के रूप में पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जो बोला जाता है उसको, अब इसको कैसे, इसकी इकाई क्या है मापने की, वायुमंडल में जो ह्यूमिडिटी जो नमी पाई जाती है उसको हम लोग किस रूप में मापते हैं, उसको हम लोग किस रूप में मापते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि या तो परसेंटेज में ले लेते हैं या फिर अनुपात में ले लेते हैं। किसमें, या तो परसेंटेज में ले लेते हैं या तो अनुपात में। ह्यूमिडिटी बच्चों तीन टाइप की होती है, आर्द्रता तीन टाइप की होती है। कौन कौन सी, एक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एक है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। आपके एग्जाम के लिए ये वाला पॉइंट याद रखिएगा, एग्रीकल्चर के लिए पूछा जाता है, कृषि में सबसे महत्वपूर्ण नमी, कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्द्रता कौन सी होती है, आप बताइएगा। आपेक्षिक आर्द्रता जो होती है यही सबसे एग्रीकल्चर में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम लोग कहते हैं आपेक्षित आर्द्रता या सापेक्ष आर्द्रता जिसको हम लोग कहते हैं, यही एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कोई नमी एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, कोई भी वाटर वेपर यानी आर्द्रता एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है। ये लिखा हुआ कृषि में सापेक्ष आर्द्रता का व्यापक रूप से उपयोग होता है, बाकियों का नहीं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, किसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में। लेकिन इसके पहले एक इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा। साइक्रोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, साइक्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर, HYGRO, ठीक है, साइक्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है। इसका उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, वायुमंडल में या फिर एयर में जो क्या चीज़ है, आर्द्रता का प्रतिशत हम लोग निकाल सकते हैं, आर्द्रता का प्रतिशत हम लोग निकाल सके। तो वायुमंडल में मौजूद जो नमी है उसको हम लोग प्रतिशत में निकाल सकते हैं। वो किस इंस्ट्रूमेंट से जो है ज्ञात किया जाता है, साइक्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर, एक ये हो गया। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, ये हमारे टेक्निकल टीम से गलती हुई है, वो गलती ये हुई है कि ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, आसमान साइक्रोमीटर। आसमान साइक्रोमीटर क्या काम करता है, इसके बारे में लिखा हुआ है, फसल की जो लंबाई चौड़ाई होती है, जहाँ तक फसलें फैलती हैं, ठीक है, उनकी लंबाई चौड़ाई में जो आपेक्षिक आर्द्रता पाई जाती है उसको मापने का काम करता है आसमान साइक्रोमीटर। तो दो इंस्ट्रूमेंट आपको इसमें याद रखने हैं, पहला कौन सा था, पहला वाला है हाइग्रोमीटर, इसी को हम लोग साइक्रोमीटर भी बोलेंगे, इसी को हम लोग साइक्रोमीटर भी बोलेंगे। और दूसरा वाला क्या है आपका, आसमान साइक्रोमीटर।
ठीक है, आसमान साइक्रोमीटर, यही दो इंस्ट्रूमेंट है जिनका उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं वायुमंडल में उपस्थित नमी की प्रतिशत मात्रा को मापने के लिए या आर्द्रता की प्रतिशत मात्रा को मापने के लिए, और आसमान साइक्रोमीटर का यूज किया जाता है पौधों की जो कैनोपी होती है, कैनोपी मतलब जहाँ तक पौधों की पत्तियाँ फैली होती हैं ऊपर का वो सारा एरिया क्या कहलाता है, कैनोपी कहलाता है। जैसे हम लोग शहरों में अगर आप लोग आए होंगे तो चाय जब पीने जाते हैं तो दुकान पे क्या लगा होता है, दुकान पे कैनोपी लगी होती है छाता जैसा, कुछ वैसे ही उसी को कैनोपी कहते हैं। वैसे जो पौधा अपना फैला होता है लंबाई चौड़ाई में, उसकी पत्तियां जहाँ तक फैली होती है वो उसका कैनोपी कहलाता है। तो कैनोपी में नमी कितनी पाई जाती है उसे मापने के लिए आसमान साइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अब आगे बात करेंगे हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, ठीक है। आप लोग फोकस करिए बच्चों पहले कंटेंट समझने पे, ठीक है। आप सब अपने जीवन का सबसे अमूल्य समय जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं, एक घंटा। तो अगर इस अमूल्य समय में आपने कुछ नहीं सीखा ना तो फिर आने वाले 23 घंटे में भी आप कुछ नहीं सीख पाओगे। इसलिए यही एक घंटा है और पूरे लाइफ का ये आपका अंतिम समय चल रहा है एक तरीके से, जो कि आपकी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड हो, सबसे अंतिम सबसे महत्वपूर्ण समय चल रहा है। इस समय को आप बिल्कुल भी बेकार मत करिए, ध्यान से सुनिए, पढ़िए, समझिए, सीखिए, किसी अन्य तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइए, सिर्फ पढ़ाई करिए। कुछ नहीं समझ में आता है क्वेश्चन लेके बैठे रहिए। अभी मैं जब क्वेश्चन कराने शुरू करूंगा तो आप लोग उसमें से कमेंट कर देना सर इस क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए, मैं तुरंत आपको आंसर दूंगा, ठीक है। बस पहले आप इसको सीखिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसको क्या कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं, सापेक्षिक आर्द्रता, इसी को हम लोग सापेक्ष आर्द्रता भी कह सकते हैं। तो सापेक्षिक आर्द्रता क्या होती है, हवा में मौजूद जलवाष्प की मात्रा और एक विशेष तापमान पर दबाव की संतृप्ति के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा के बीच का जो अनुपात होता है उसे सापेक्षिक आर्द्रता कहते हैं। इसे प्रतिशत या फिर अनुपात में व्यक्त किया जाता है। इसकी इकाई क्या है, या तो प्रतिशत है या फिर अनुपात है। जैसे जब बारिश होती है, एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा ये, जब बारिश हो रही होती है तो वायुमंडल में आपेक्षिक आर्द्रता कितने प्रतिशत होती है, 100%। सोचना ही नहीं है, 100%। अभी क्या है, अभी देख रहे हो कितनी गर्मी पड़ रही है, तो नमी बहुत कम है वायुमंडल में, है ना। तो जो आपकी आर्द्रता है उसका प्रतिशत बहुत कम है। तो अभी पूछा जाए तो आप बताएंगे 55 से लेकर 80% के बीच में पाई जा रही है, ठीक है। ठंडी के समय में और कम हो जाती है। तो अपेक्षित आर्द्रता जो होती है वो प्रतिशत में या फिर अनुपात में व्यक्त की जाती है। अपेक्षित आर्द्रता निकालने का सूत्र क्या होता है कि वायु में जलवाष्प दाब अपान संतृप्ति के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा गुणे 100। ये एक इसका सूत्र है, मैं फिर से अभी लिख देता हूँ, एक न्यूमेरिकल के साथ हम लोग देखेंगे। मान लीजिए एक उदाहरण है आपके लिए कि सापेक्षिक आर्द्रता कैसे निकालते हैं। आपके एग्जाम के लिए न्यूमेरिकल आता है ना, इसलिए न्यूमेरिकल बता रहे हैं। तो व्हेन द वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन ऑफ ए पार्सल इज 50 ग्राम एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 40 ग्राम, व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एक सवाल आपके एग्जाम में आएगा, तो पहले आप अपनी कॉपी निकालिए और ये वाला सूत्र लिखिए, ये वाला फार्मूला लिखिए। आपेक्षिक आर्द्रता एक बराबर, आपेक्षिक आर्द्रता बराबर वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, वाटर वेपर जो कि हवा में मौजूद है, बटे बटे क्या लगा देंगे, बटे वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन, संतृप्ति के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा, और गुणे क्या हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 100। तो ये जो सूत्र है तुरंत अपनी कॉपी में लिखिए, फिर आप इस न्यूमेरिकल को लगाइए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। सीधे सीधे आंसर बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई 40 ग्राम पार्सेल में किसी भी वायुमंडलीय दबाव पर आर्द्रता थी और 50 ग्राम वायुमंडल में उपस्थित है, तो कितने प्रतिशत आपेक्षिक आर्द्रता जो है वायुमंडल में इसमें मौजूद है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100% है ये। तो इसका आंसर जो भी आएगा अभी आप बताएंगे। और ये वाला एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल ये है कि जब हवा के एक पार्सल की संतृप्ति के लिए आवश्यक जलवाष्प 50 ग्राम है, कितना है आवश्यक जलवाष्प क्या है, 50 ग्राम, जलवाष्प की वास्तविक मात्रा कितनी है, 40 ग्राम है, तो सापेक्ष आर्द्रता क्या है। तो फार्मूला क्या था, 40 क्या है, ये वाली जलवाष्प की वास्तविक मान क्या है, और 50 क्या है, संतृप्ति के लिए कितना जल की आवश्यकता है, 50 है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये आंसर सही है, 40/50 × 100%। 100 में निकालना है क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है, तो यहाँ पे हम 100 से गुणा करा देंगे, तो ये कितना आएगा, क्या ये 80% आएगा, जल्दी से आप लोग भी बताइए, उसके बाद हम लोग देखते हैं 80% आएगा ना ये वाला।
हाँ ठीक है, 80% आ गया, क्योंकि हमने अगर हमने 100 से यहाँ पे गुणा नहीं कराया तो ये किस में आ जाएगा आंसर, ये अनुपात में आ जाएगा। अगर हमने गुणा नहीं कराया तो क्या आ जाएगा, ये अनुपात में। अगर हमने इसको 100 से गुणा करा दिया तो ये किस में हो जाएगा, प्रतिशत में हो जाएगा। तो ये 80% आ गया है ना। अब एक दूसरा न्यूमेरिकल लिखिए मेरी तरफ से आपके लिए, यहाँ पे दूसरा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल ये है कि जब पार्सल की संतृप्ति के लिए आवश्यक जलवाष्प की मात्रा 50 ग्राम है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 60 ग्राम है। आवश्यक जलवाष्प जो होती है वो 60 ग्राम है, और जलवाष्प की वास्तविक मात्रा 40 ग्राम की जगह जलवाष्प की वास्तविक मात्रा मैं लिख दे रहा हूँ वो 35 नहीं, मैं और आसान कर देता हूँ, 50 ग्राम है। तो अब आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं इसको अगर सेटल कर देता हूँ अच्छे से, तो पार्सल की संतृप्ति के लिए आवश्यक मात्रा 50 ग्राम थी, तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 60 ग्राम है, और वास्तविक मात्रा जो है वो कितनी थी, वो 50 ग्राम है। अब आप इसको प्रतिशत में निकालिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, यानी आपेक्षिक आर्द्रता का मान कितना होगा वायुमंडल में, आपेक्षिक आर्द्रता का मान कितना होगा, 120%, यानी कि बहुत ज़्यादा आ गया है ना। तो 120% यानी कि बहुत ज़्यादा आ गया, किसी का 83 आ रहा है, किसी का 120 आ रहा है, किसी का 83 आया, किसी का 120 आया, अभी आप लोग सही से मतलब बता नहीं पाए हैं। चलिए ठीक है, आप लोग इसको क्वेश्चन को ले जाइए घर और लगा के लाइएगा। अरे 500 है बटे 60 कर दो, 500 बटे 60 कर दो, उसके बाद निकाल लो जितना आना होगा आ जाएगा, ठीक है बस। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, उस सवाल का मतलब ये था कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी जब 80% आ गई थी, इसका मतलब ये है अभी 100% होने में कितना कम है, अभी 100% होने में कितना कम है, 20% और चाहिए इसको, ताकि वो 100% नमी हो सके, 100% आर्द्रता हो जाए। तो यही आपके एग्जाम में आएगा कि अगर वायुमंडल में, सुनिए क्वेश्चन है ये, अगर वायुमंडल में 80% अपेक्षित आर्द्रता है तो संपूर्ण रूप से संतृप्त अवस्था लाने के लिए, कंप्लीट सैचुरेशन पॉइंट लाने के लिए अभी और कितने प्रतिशत आर्द्रता की आवश्यकता है, तो आपका आंसर क्या होगा, 20%, क्योंकि 80% तो ऑलरेडी है ना। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाइजली यूज इन एग्रीकल्चर, ये तो आपको बता दिए, कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, आपेक्षिक आर्द्रता ही होती है, वही आप याद रखिएगा। अगला जो वेदर एलिमेंट है बच्चों वो है विंड वेलोसिटी। वो क्या है, विंड की वेलोसिटी यानी वायु का वेग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है विंड की वेलोसिटी आपके एग्रीकल्चर में, इसका क्या रोल है। हाँ काफ़ी आंसर सही आ गया था, आपके एग्रीकल्चर में इसका क्या रोल है, ध्यान से सुनिएगा विंड वेलोसिटी का। अब इसी पे एक गाना है, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई पर्वत भी ना इन्हें रोके, है ना, ऐसे कुछ है ना, हमें जो पूरा याद भी नहीं है। पंछी नदियां पवन के झोंके है ना, तो ये क्या था, पवन के झोंके हैं, है ना, पवन के झोंके वायु का वेग। तो विंड वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, हवाएं, वो पौधों के लिए कैसे लाभदायक होती हैं, वो पौधों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होती हैं। कौन सा सॉन्ग सर जी, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद भी ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए होती है, इस तरह से एक गाना था, मुझे पूरा याद नहीं है, तो क्या ही झूठे बेइज्जती कराएं इतने बड़े प्लेटफॉर्म से, है ना, जब आता ही नहीं तो क्यों गाएं, बस मैंने थोड़ा सा निकाल दिया कि आप लोग भी याद रखिए, है ना। हाँ आंसर सबका करीब करीब ठीक आ गया, बस ध्यान से आप लोग लगाएंगे तो हो जाएगा। अच्छा कह रहे एग्रीकल्चर में सिर्फ फ्री क्लासेस अटेंड करने से हमारी नैया पार हो जाएगी, प्लीज़ सर एक बार ये बता दीजिए, हम लोग नैया कार पार कराने के लिए ही यहाँ खड़े हुए हैं, आप पढ़ेंगे तो नैया पार हो जाएगी। विंड वेलोसिटी क्या है, वायु का वेग, जो भी हवाएं तेज गति से कृषि में काम करती हैं, क्या कोई हवा पौधों को कभी लाभदायक हो सकती है, अगर उसकी स्पीड सामान्य से ज़्यादा है तो हानिकारक है, ठीक है, सीधी सीधी बात है। तो हवा होती क्या है पहले ये समझिए, इट इज़ हॉरिजेंटल मोशन ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। बचपन में हम भी यही सोचते थे हवाएं बनती कैसे हैं, हवाएं बनती कैसे हैं, क्या कारण है हवाओं के बनने का,
तो हवाएं बच्चों कैसे बनती हैं? जब वायुमंडलीय दबाव कहीं पे कम हो जाता है और कहीं पे बराबर रहता है। तो जहां पे वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है तो अधिक वायुमंडलीय दबाव की तरफ से ये वायुमंडलीय दबाव इधर की ओर बढ़ता है तो वो हवा का रूप धर लेता है, ठीक है। वही एयर विंड में कन्वर्ट हो जाती है, वही हवा वायु में परिवर्तित हो जाती है। तो जो वायु है वो कुछ अलग से कहीं नहीं बनती है, वो निम्न दाब उत्पन्न होने की वजह से बनती है। और जहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न होगा हवाएं उसी दिशा में बहेंगी, उसी दिशा में आपका जो भी मानसून वगैरह होगा, जो वर्षा कराने वाले बादल होंगे, उसी हवा के साथ उसी दिशा में वो लोग बहने लग जाते हैं, ठीक है। तो हवा क्या होती है? ये निम्न दबाव बनने के कारण जो वायु में वेग पाया जाता है उसे हम लोग हवा कहते हैं। तो ये किस तरफ बहेगी? जिस तरफ लो प्रेशर होगा उसी तरफ ये हवा जाती है, ठीक है। और ये हवाएं जो होती है निम्न दबाव क्यों बनाती हैं? तो निम्न दबाव बच्चों जो बनता है उसका एक ही कारण है, तापमान में चढ़ाव या उतार, ठीक है। तापमान में सोलर रेडिएशन की वजह से ऐसा कुछ होता है। तो कहीं पर भी अगर निम्न दाब या उच्च ताप बन रहा है तो सोलर रेडिएशन के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है, ठीक है। तो विंड डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन वेदर फोरकास्टिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि हवा से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण जो है पूर्वानुमान लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो हवा की दिशा, यानी कि मानसून किस दिशा में जाएगा, हवाएं किस दिशा से किस दिशा में चलेंगी, ये हवा की दिशा निर्धारित करती है कि मानसून अभी इधर है किधर मुड़ेगा, ठीक है। जैसे केरल में मानसून 1 जून को भारत में एंट्री करता है, तो पूछा जाता है भारत में मानसून डे यानी मानसून का एंट्री दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 जून को वो एंट्री दिवस मनाया नहीं जाता, मतलब मानसून डे बोला जाता है। मानसून भारत में एंट्री कब करता है? तो 1 जून को करता है। अगर वही हवाएं थोड़ा सा विपरीत हो गई तो अब वो मानसून लौट जाएगा, बाद में फिर लौट करके आएगा। तो ये हवा की दिशा के ऊपर निर्भर करता है मानसून कब आएगा, ठीक। आगे देखिए विंड वेन क्या काम करता है? इट मेजर्स द विंड डायरेक्शन, यानी कि हवा की दिशा बताने वाला जो यंत्र है उसे हम लोग विंड वेन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दो इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि हवा से संबंधित हैं। एक तो आपका विंड वेन हो गया जो कि हवा की दिशा को बताने का काम करता है, ठीक है। हवा की दिशा को बताने का काम करता है उसे हम लोग विंड वेन कहते हैं। तो हवा की दिशा कैसे पता चलती है? हवा की दिशा कितनी दिशाएं बता सकता है? 8 दिशाएं। कभी भी हवा नीचे से ऊपर की ओर नहीं चलेगी या फिर ऊपर से नीचे की ओर नहीं चलेगी। हवाएं हमेशा जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट या फिर उनके कॉर्नर पे बहेंगी। जैसे हवाएं किस तरफ से बह सकती हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कहाँ गया भाई, आ जा जल्दी से। हाँ, हवाएं कहाँ बह सकती हैं आप लोग देखिए। ये आपका क्या हो गया? नॉर्थ। ये हो गया आपका साउथ, ठीक है। नॉर्थ साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। हवाएं हमेशा इन्हीं चारों दिशाओं में बह सकती हैं। यहाँ से अगर हवा चली तो ये पूरब की ओर जा सकती है, पश्चिम की ओर जा सकती है, उत्तर की ओर जा सकती है, दक्षिण की ओर जा सकती है। इसके अलावा एक दिशा और होती है, वो क्या होती है? वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, यानी कि उत्तरी पूर्वी हवा जो कि इधर जाएगी, एक इधर है पूर्वी दक्षिणी हवा जो कि इधर जाएगी, एक हवा है साउथ से वेस्ट की ओर जो कि इधर की ओर बहेगी, और एक हवा है पश्चिमी उत्तरी हवा जो कि इधर की ओर जाएगी। तो हवाएं हमेशा 8 दिशा में बह सकती हैं। कितनी दिशाओं में? 8 दिशाओं में। तो आपके एग्जाम का ये क्वेश्चन बनेगा कि हवाएं किस दिशाओं में नहीं बहती हैं। तो कभी भी ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर नहीं बहती हैं। वो हमेशा किस तरफ से बहेंगी? वो हमेशा डायरेक्शन की ओर ही बहती हैं, ठीक। अगला देखिए, विंड वेलोसिटी क्या होती है? हवा की गति क्या होती है? भाई हवा जिस वेग से बह रही है उसे उसकी गति कहा जाएगा, उसी उसको वेलोसिटी कहा जाएगा। तो हवा जो बहती है उसका मात्रक क्या हो सकता है? उसका मात्रक हो सकता है किलोमीटर प्रति घंटा, अगर MKS पद्धति में लेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा, अगर CGS पद्धति में लेंगे तो मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आपका क्या बन सकता है? हवा को जो विंड की वेलोसिटी है उसको हम लोग मात्रक के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके CGS MKS पद्धति के ऊपर डिपेंड करता है। अगला देखिए, हवा की गति दिन में अधिक होती है या रात में अधिक होती है? तो यहाँ पे वही पॉइंट लिखा हुआ है, द वेलोसिटी ऑफ विंड इज जनरली ग्रेटर ड्यूरिंग डे, यानी कि दिन के समय में बहुत तेजी से चलती हैं, रात के समय में
दिन की अपेक्षा धीमी हो जाती हैं, ठीक है, ऐसा नहीं हवाएं बंद हो जाती हैं, दिन की अपेक्षा धीमी चलती हैं रात्रि के समय में, दिन में ज़्यादा गति से वो लोग बहती हैं हवाएं, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गया और आज का ये लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सेशन देखेंगे। तो देखिए एनीमोमीटर क्या काम करता है, एनीमोमीटर क्या काम करता है, विंड वेलोसिटी इज मेजर्ड बाई एनीमोमीटर। विंड वेलोसिटी यानी कि हवा की गति को मापने वाला जो यंत्र है उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर। ये हमारे बाइक वगैरह में, गाड़ियों में भी लगा होता है, जो गाड़ी की गति को बताता है कि गाड़ी कितनी तेजी से चल रही है, तो ये वही एनीमोमीटर होता है, ठीक है। एनीमोमीटर हमेशा हवा के वेग को बताता है। यूनिट ऑफ विंड वेलोसिटी, हवा को मापने की इकाई क्या है, तो अभी तो बता दिए किलोमीटर प्रति सेकेंड, सॉरी अगर MKS पद्धति में हम लोग ले रहे हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा आवर के बेसिस पे, अगर CGS पद्धति में ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यानी कि हवाएं 25 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही हैं, ये नॉर्मल हो गया। लेकिन जब टार्नेडो वगैरह आता है, जब ज्वार भाटा आता है, जब एक तरह का, अभी लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों ने देखा होगा अम्फान तूफान उठा हुआ है और वो अरब सागर से आ रहा है, अम्फान के बाद फिर पता चला पश्चिम से कोई जो है हिंद महासागर से कोई नया तूफान उठा हुआ है, बंगाल को, उड़ीसा को, इन सबको ख़त्म कर रहा है, ठीक है, उधर से मुंबई वगैरह में ज़्यादा नुकसान कर रहा था, तो ये सब लॉकडाउन के टाइम पे भी हुआ था। तो वो सब क्या थे, वो हवाओं के वेग से आ रहे थे। तो उनको हम लोग कैसे मापते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो कुछ लोग बोले कि भाई इनकी स्पीड जो है 190 किलोमीटर प्रति घंटा के है या फिर 200 किलोमीटर प्रति घंटे से है, वो हवाओं की गति होती है, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का थ्योरी वाला पोर्शन, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन वाले पोर्शन पे, देखते हैं हम लोगों के लिए क्या क्या क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें जो बची हुई हैं वो हम लोग कल के क्लास में अटेंड कर लेंगे। एक चीज़ बचा हुआ है आपका रेनफॉल, जो कि प्रेसिपिटेशन है, बहुत ही लंबा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है। चलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया है, पहला वाला 5 नंबर के लिए, जो कल वाला जो क्वेश्चन था वो वाला, जो एक करेक्शन मुझे कराना था वही वाला है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मेट्रोलॉजी से संबंधित जो कल वाला क्वेश्चन था उसी में मुझे करेक्शन कराना था। तो इसमें देखिए मेट्रोलॉजी स्टडी क्या करती है, रिलेशनशिप बिटवीन वेदर कंडीशन एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो स्टेटमेंट 1 जो है ये पूरा का पूरा गलत है, क्योंकि ये मेट्रोलॉजी के बारे में बात कर रहा है, एग्रोमेट्रोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा है। एग्रोमेट्रोलॉजी जो होती है वो कृषि के संबंधित फसल उत्पादन से रिलेशन में संबंध जो है होता है वो दर्शाती है। दूसरा है मेट्रोलॉजी इन्वेस्टिगेट द फिजिकल कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, ये भी बात गलत है, क्योंकि एग्रोमेट्रोलॉजी जो होती है वो पौधों की स्थिति के साथ साथ मिल करके जांच करने का काम करती है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। लेकिन अगर यहीं पे एग्रोमेट्रोलॉजी इसको लिखा जाता, मेट्रोलॉजी की जगह एग्रोमेट्रोलॉजी कर दिया गया होता, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाता, क्योंकि दोनों गलत हैं इसलिए दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है, बोथ आर इनकरेक्ट। चलिए आज का एक ताज़ा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है नमी से। चलिए बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको ट्रू स्टेटमेंट बताना है। पहले तो ये अंडरलाइन कर लिया करिए, चारों ऑप्शन को पढ़िए और बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत नहीं है, मतलब सही है। अभी तक मुझे आंसर नहीं मिल पाया, चलिए मैं पढ़ के भी एक बार बता देता हूँ, अभी भी मुझे आंसर नहीं मिल पाया है। 1 2 1 2 आप लोग बोली लगा रहे हैं जो ऑप्शन में ना बेटा, चार ऑप्शन है आप लोग बोली लगाना शुरू कर दिए हैं, पहला वाला दूसरा वाला बोली मत लगाइए। अभी मुझे आंसर मिला है और बैल बुद्धि ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तुमने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि आप ही ने बढ़िया से ध्यान से सुना था, बैल बुद्धि का आंसर सही है। एग्री बॉय ईश्वर साई, आपने तो लिख दिया ऑल स्टेटमेंट ट्रू है सर, बट एक तो गलत होगा ही ना। यहां पे जो सत्य लिखा हुआ है आपको असत्य पहचानना है। हाँ अभी सब लोगों का आंसर आना शुरू हो गया है।
सत्य की बात अगर की जाती, अभी यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इनकरेक्ट। अगर सत्य की बात की जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल ट्रू हैं, बिल्कुल सही हैं। ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम ने आंसर शायद नहीं यहाँ पे रखा, ऑप्शंस आपके लिए नहीं रखा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार पढ़ देता हूँ। स्टेटमेंट पहला, दूसरा और तीसरा ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपका चेंज कर दिया, आपको इनकरेक्ट बताना है, असत्य बताना है। तो बताइए इसमें से असत्य कौन है? असत्य चौथा वाला ही है, मिनिमम थर्मोमीटर फिल्ड विद मरकरी। क्या ये सही है या गलत है? भाई मिनिमम थर्मोमीटर में तो एथिल एल्कोहल भरा होता है, उसमें तो एल्कोहल होता है, तो यहाँ पे मरकरी क्या काम कर रहा है? मरकरी तो आपके मैक्सिमम थर्मोमीटर में होता है। यही वाला विकल्प आपका गलत है, बाकी तीनों सही हैं। और यहाँ पे आपको असत्य बताना है, तो असत्य कौन हो जाएगा? चौथा वाला हो जाएगा, बाकी तीनों आपके सही हैं। क्या सही है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है उसका सबसे ज़्यादा यूज़ है एग्रीकल्चर में, जो कि कृषि से उत्पादन से संबंधित जो है अध्ययन करने में मदद करता है। साइक्रोमीटर या हाइग्रोमीटर ये आपेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र है, ये भी बात सही है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंटेज या रेशियो में व्यक्त की जाती है, ये भी बात सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि पहला स्टेटमेंट है, टेम्परेचर इज मीजर्ड बाई आइदर इन फारेनहाइट और सेल्सियस और इन केल्विन यूनिट्स। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अब आप सोच रहे होंगे सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं। अरे भाई कितना पढ़ाएं, अब आप लोगों को जो है LKG UKG से थोड़ी ना पढ़ाना शुरू करेंगे। कुछ ऐसी बातें होती जो आपको तैयार ही होता है, डिग्री सेल्सियस क्या होता है, केल्विन क्या होता है, फारेनहाइट क्या होता है। खैर आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग बताएंगे कि तापमान या तो फारेनहाइट या सेल्सियस या केल्विन इकाइयों में मापा जाता है। सीधी सीधी बात है कि हाँ भाई मापा जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, केल्विन इकाइयों में एब्सोल्यूट टेम्परेचर मेजर किया जाता है। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या दोनों के दोनों गलत हैं? बोथ आर ट्रू। बहुत बढ़िया। चलिए बताइए एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू क्या होता है? कौन कौन बताएगा? निरपेक्ष तापमान का मान क्या होता है? क्या लिखा जाना चाहिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू को? यहां पे दोनों स्टेटमेंट बच्चा बिल्कुल सही हैं, तो दोनों का दोनों बिल्कुल सही है, इसलिए आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने एब्सोल्यूट टेम्परेचर का वैल्यू नहीं बताया। -273 एक लोगों का आ गया, -273 एक लोगों का आया, जूल पर मीटर क्यूबिक। अरे बाप रे, नई यूनिट इन्होंने पैदा कर दी अभी तक जिस यूनिट का आविष्कार ही नहीं हुआ। 273 केल्विन माइनस होगा या नॉर्मल होगा? कुछ लोग माइनस लिख रहे हैं, कुछ लोग कुछ लिख रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आइए इस पे दो लिस्ट आपके सामने दी हुई है। पहला है List 1, दूसरा है List 2। यहाँ पे आपको मैच कराने हैं इनसे और विकल्प नीचे लिखे हुए हैं, इनमें से आपको आंसर देना है। जल्दी से आप लोग अपने अपने आंसर का चुनाव करके बताएं क्या होगा। जल्दी से आप लोग आंसर चुनिए, बताइए क्या होगा। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, विंड वेन और रेन गेज, यही तीन चार हैं जो कि आपको बताने हैं। आंसर मिलना शुरू हो गया है। तो बैरोमीटर कहाँ जाएगा? वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए जाएगा। एनीमोमीटर कहाँ जाएगा? एनीमोमीटर विंड की स्पीड बताने के लिए जाएगा। विंड वेन कहाँ जाएगा? विंड वेन जाएगा हवा की दिशा को बताने के लिए। और बच्चा रेन गेज तो ये अमाउंट ऑफ रेनफॉल को मेजर करने का काम करेगा। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4। आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, इन सब का 2 ही आंसर आया हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए, एकदम जैसे कहावत नहीं है गांव में कि भाई नाग नागिन के सामने मत जाइएगा, वो फोटो खींच लेता है, फ्यूचर में बदला लेगा। ठीक है, तो आप भी एकदम नाग नागिन हो जाइए, फोटो एकदम स्कैन कर लीजिए दिमाग में। ये आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन छपे हुए हैं, ये और कुछ नहीं है, क्वेश्चन है ये। बस मैचिंग वाला ध्यान से देखिएगा कौन सा किधर मैच कर रहा है। लीजिए एक और सवाल,
आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक और बिल्कुल एकदम तड़कता धड़कता और ऐसा सवाल ये है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, बस आप तुरंत पढ़ करके आंसर दीजिए। एक कथन लिखा हुआ है, हाई टेम्परेचर इज हार्मफुल फॉर ट्यूबर फॉर्मेशन एंड हार्मफुल फॉर रूट डेवलपमेंट। अधिक तापमान बढ़ने की वजह से आलू में जो कंद होते हैं, जो ट्यूबर होता है, उसका निर्माण रुक जाता है तथा पौधों की वृद्धि का विकास भी कम होता है। कथन दो कहता है कि तापमान जब बढ़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है और कृषि के उत्पादन में नुकसान होता है। क्या ये बात सही है? बोथ आर करेक्ट, बोथ आर ट्रू। बहुत ही बढ़िया, दोनों की दोनों बातें बच्चों सही हैं। जब जब वायुमंडलीय तापमान बढ़ेगा तब तब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ेगी तो उस क्यों बढ़ेगी, क्योंकि कुछ उसके साथ कुछ गैसेस बढ़ती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, SF6 करके है, अब उसका जो भी हेक्सा सल्फर जो भी बोलेंगे उसको, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारी गैसें जो मिल करके ग्लोबल वार्मिंग का काज होती हैं, ये सब कृषि के उत्पादन में नुकसान करती हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बच्चा सही है, तो बोथ स्टेटमेंट वन एंड सेकेंड आर ट्रू। ये तो अभी आपको कल बताएंगे। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन पर पूरे 5 नंबर के लिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। यूनिट ऑफ प्रेशर क्या होता है, दाब मापने की इकाई क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की किरणें जो हैं वो कौन सा है उस चारों में से, इवेपोट्रांसपिरेशन यानी कि जब वाष्पीकरण होता है तो उसे किससे मापा जाता है, और वाष्पीकरण जो होता है वो किससे मापा जाता है, दोनों के यूनिट के बारे में आपको बताना है। अगर आपने मैच करा लिया तो आपका समझ के चलिएगा कि अब वेदर एलिमेंट्स से चैप्टर आपका जो है वो करीब करीब तैयार हो चुका है। तो बेटा यूनिट ऑफ प्रेशर ये मिली बार होता है, फोटोसाइंथेसिस रेस जो होती है वो पार होता है, इवेपोट्रांसपिरेशन लाइसीमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, और इवेपोरेशन जो होता है USWB पैन इवेपोरीमीटर के द्वारा मेजर किया जाता है। चारों के चारों A का 1, B का 2, C का 3, D का 4 आमने सामने रखा हुआ है, तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए और देखते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाने से क्या फ़ायदा मिलता है, हमें क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो सुधारने में, क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड करने में सहायता मिल जाती है। तो किस प्रकार के मौसम के पूर्वानुमान की मदद से हम क्रॉपिंग पैटर्न जो है अपना बदल सकते हैं या डिसाइड कर सकते हैं, बताइए कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है, कौन सा वेदर फोरकास्टिंग होता है मौसम का पूर्वानुमान जो कि कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे हम क्रॉपिंग पैटर्न या फसल के पैटर्न का निर्धारण करते हैं। तो कल आपको बताए थे मेरे बच्चे, मीडियम टर्म फोरकास्टिंग जो होती है मध्यम समय के लिए 3 से 10 दिन के लिए, वही होती है जो कि आपको इन सभी चीज़ों में मदद करती है। तो मीडियम टर्म वेदर फोरकास्टिंग जो है, मध्यम वेदर फोरकास्टिंग, यही आपको कृषि में मदद करती है, तो दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। चलिए बताइए, भारत सरकार ने पुणे में मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके निकल के आ गए बच्चा। पहला तो ये कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसको IMD कहते हैं, इसकी स्थापना भारत में कहाँ पे हुई थी, कहाँ पे हुई थी, पुणे में हुई थी। भारत में कहाँ हुई थी, पुणे में हुई थी। किस वर्ष स्थापित हुई थी, ये आंसर बता दीजिए आप लोग, बस किस वर्ष हुई थी, अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला। कुमार मौर्य का मुझे आंसर मिल चुका है, MD आसिफ का भी आंसर मिल चुका है, बैल बुद्धि ने भी बता दिया है, शशांक पांडे ने भी बता दिया। 1875 में स्थापना हुई थी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की। यहीं पे एक चीज़ और बता देते हैं, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और वो ये है कि विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, इसका आंसर दीजिए, तब मैं अभी डिटेल कर दूंगा। आप लोगों का आंसर मिल चुका है, बहुत बढ़िया, 23 मार्च। ध्यान से देखिए, विश्व मौसम विज्ञान
विभाग जो है जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। इसीलिए 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। IMD में जब देखा जाए, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कोई डे डिसाइडेड नहीं था कि कब इस्टेब्लिश किया गया था, तो 1875 में उसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसलिए इंडिया मेट्रोलॉजिकल का कोई डे नहीं पूछा जाता। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कब इस्टेब्लिश हुआ था? 23 मार्च 1950। इसीलिए पूछा जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे 23 मार्च को। यही आपका राइट आंसर था, ठीक है। अभी इसके अलावा भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़ देना, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है लेक्चर में, कल वाले लेक्चर में। और अभी भी वेदर एलिमेंट्स हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल वाले लेक्चर में प्रेसिपिटेशन और रेनफॉल से रिलेटेड बातें करेंगे, मानसून से रिलेटेड बातें करेंगे हम लोग, उसके साथ ही साथ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों इतना ही, और बाकी चीज़ें जो आपके साथ अभी छूटी हुई हैं वो लोग कंटिन्यू ज़रूर रखा करें, ठीक है। काफ़ी लोगों का मैंने देखा डाउट था। चलिए ठीक है बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं कल हम लोग। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। थैंक यू टू ऑल।